दोस्तों, वेलकम टू मोमाटियारा। कैसे हो आप सब? आशा करूंगी आप लोग सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हो। अच्छा, आज का जो वीडियो है ना, ये एक ब्लॉग है, जैसा कि आप समझ रहे हो। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या करती हूँ पूरे दिन में, और आज मुझे जाना है दुर्गा पूजा के शॉपिंग के लिए। आज से ही स्टार्ट करूंगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या चीज़ें खरीदती हूँ, क्या क्या देखती हूँ। आप भी देखोगे मेरे साथ शॉपिंग पे जाके। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने मेरे लिए एक जम्बो पराठा बनाया है। काफ़ी दिनों से मन हो रहा था एक पराठा खाने का, बट हो नहीं पा रहा था। और जैसे मैं ज़्यादा पराठा वगैरह ज़्यादा नहीं खाती हूँ, तो आज बना लिया। फिर मैं ये चाय बनाऊँगी, जो अगर आपको वेट लॉस करनी है ना, तो ये चाय आप पी सकते हो, बहुत अच्छी होती है। और हनी मिला लिया 1 टीस्पून, देन ये नींबू एंड ब्लैक सॉल्ट, एंड मेरी चाय रेडी है फटाफट से। तो इस तरह की चाय ना खाने में बहुत टेस्टी होती है, पीने में भी बहुत अच्छी होती है। और ये जो भिगोया हुआ मूंगफली एंड बादाम है, जो मैं सुबह सुबह खाती हूँ, जो मैंने आज नहीं खाया, तो उसको भी ब्रेकफास्ट के साथ ही खा लूँगी। एंड ये बैंगन का भरता है, जो बहुत टेस्टी लगता है पराठे के साथ, जो कि रात का है एक्चुअली, और ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जस्ट फटाफट से मैंने ये ब्रेकफास्ट किया। फिर मुझे जाना है माँ के घर, और जो कि ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से। अभी मैं ये सिंपल सा ये आउटफिट पहन लूँगी, इजी ब्रिजी सा, जो पूरे दिन में मुझे बिल्कुल भी गर्मी ज़्यादा ना लगे। तो ये जस्ट अभी मैं रेडी होऊंगी और माँ के घर आ चुकी हूँ। एक्चुअली मुझे सबसे पहले जाना है माँ के साथ पार्लर, जो कि आज माँ को हेयर कट करवानी है। तो फिर मुझे जाना है शॉपिंग के लिए, जो मैं छोटी बहन के साथ जाऊंगी, जो भी अभी आई हुई है। तो अभी हम वापस आके लंच करेंगे, फिर मैं बहन के साथ शॉपिंग के लिए जाऊँगी। और दुर्गा पूजा की जो शॉपिंग होती है ना, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दुर्गा माँ की साड़ी से, जो कि ऑलरेडी मेरे मदर इन लॉ ने ख़रीद लिया है। आज हम बाकी की जो शॉपिंग है वो हम करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अभी हेयर कट हो रही है, और माँ ने करवाई स्टेप कट, जो कि माँ के जो हेयर है वो काफ़ी वेवी है, तो वेवी हेयर पर स्टेप कट अच्छा दिखता है। और जो हेयर कलर है वो भी माँ को करवानी है एक्चुअली, बट समय की कमी की वजह से वो आज नहीं हो पाएगा। माँ ने कहा कि वो अपने आप घर पे ही कर लेंगी, खुद से ही वो ज़्यादातर टाइम कर लेती है। तो अब देख सकते हो फाइनल लुक कैसा आया है, काफ़ी अच्छा दिख रहा था। और घर पे आके हमने थोड़ा सा शूट किया ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ, और माँ कैमरे के सामने थोड़ी मतलब शाई फील कर रही थी, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला, मतलब कुछ भी नहीं बोला। तो अभी हम आ चुके हैं शॉपिंग के लिए। तो आप देख सकते हो छोटी बहन भी आई है, और सबसे पहले हमने की ना जो बच्चों की जो ड्रेसेस है वो, उसकी शॉपिंग से हमने स्टार्ट की। अत्विका के लिए भी शॉपिंग किया, फिर मेरी बहन की जो डॉटर है उसके लिए भी शॉपिंग किया, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने उनके लिए शॉपिंग किया। फिर हमने देखी साड़ी, तरह तरह की साड़ियाँ हमने देखी, और आप भी देखो कितनी सारी वैराइटीज़ कलर में साड़ियाँ थी। और जो ये बॉर्डर वाली जो साड़ियाँ होती है ना, वो थोड़ी ज़्यादा दिखी हमें, जो कि मुझे उतनी कुछ अच्छा नहीं लगता, जो अलग से बॉर्डर चिपका हुआ होता है साड़ी में, बट वो थोड़ी कम प्राइस में दिखी मुझे इस तरह की साड़ियाँ। बाकी बहुत बहुत तरह तरह की साड़ियाँ दिखी, ज़्यादातर जो सीक्वेंस वर्क में साड़ियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा दिखी। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था एक वीडियो में कि इस साल कौन कौन सी साड़ी ट्रेंडी रहने वाली है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। और तो कुछ इस तरह की बहुत सारी साड़ियाँ हमने देखी। फिर मेरी नज़र इस साड़ी पे थोड़ी टिकी, इसके कलर काफ़ी अच्छी देखी, पूरे साड़ी में थ्रेड वर्क थी। और मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस में कहा है, जो हेवी ज़्यादा हेवी वर्क में जो साड़ियाँ होती है वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती है, तो इस तरह की साड़ी तो मुझे ख़रीदनी नहीं थी। तो मैंने जस्ट एक ढूंढ रही थी थोड़ा सिंपल हो, बट क्योंकि दुर्गा पूजा की साड़ी है तो उतना भी कुछ ज़्यादा सिंपल ना हो। और मैंने आप लोगों को कहा था मैं इस साल एक लहरिया साड़ी खरीदूँगी, तो वो भी मुझे ढूंढना था इन सभी साड़ीज में। तो ये जो साड़ी है ग्रे कलर में, ये भी थोड़ी अच्छी लगी मुझे। बाकी ज़्यादातर साड़ियाँ ना जस्ट सीक्वेंस वर्क में ही ज़्यादा दिखी, जो मुझे एक्चुअली इस साल नहीं लेनी है। तो आप देख सकते हो बहुत तरह तरह की जो सीक्वेंस वर्क में जो साड़ियाँ हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा दिखी, और एक भी मुझे अच्छी नहीं लगी। और कुछ इस तरह की आप देख सकते हो बहुत तरह तरह के कलर में साड़ियाँ है। फिर मेरी नज़र इस साड़ी पे टिकी, जो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बट इस तरह की साड़ी में क्या होता है ना, ये प्रॉब्लम कि ये साड़ी कहीं ना कहीं आपको मतलब छिपा देती है, इतनी ज़्यादा हेवी वर्क होती है। फिर मुझे ये साड़ी थोड़ी अच्छी लगी, बट इसकी कलर मुझे बहुत अच्छी लगी, बट पूरे साड़ी में ना इसमें भी सीक्वेंस वर्क थी, जो कि थोड़ी मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा, बट फिर भी इसका कलर काफ़ी अच्छा लगा। बट जो मेन बात है, ये मेरे बजट से काफ़ी ज़्यादा बाहर जा रहा था,
तो फिर हमने लहरिया साड़ी देखी। लहरिया साड़ी में भी काफ़ी सारी मतलब जो डिज़ाइन है टाइप है वो एक ही है, और लहरिया जो डिज़ाइन है वो मतलब जो प्रिंट है वो तो एक ही होता है, बट उसमें ज़्यादा कुछ अलग नहीं दिखा। जो मुझे जो चाहिए था वो मुझे मतलब अभी तक तो नहीं मिला। तो इस तरह की बहुत सारे कलर वैरायटी में साड़ियाँ दिखी, और फिर मुझे ये साड़ी भी काफ़ी अच्छी लगी, बट इसमें जो ये बॉर्डर चिपका हुआ है ना, ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस साड़ी का जो लुक है उसको ख़राब कर रहा है। आप मुझे बताना इस तरह की साड़ी आपको क्या पसंद है, मुझे तो पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता अलग से जो बॉर्डर चिपका हुआ होता है। फिर इस तरह से कर करके हमने बहुत सारी साड़ियाँ हमने देख ली, और फिर एंड ऑफ द डे हम जब घर पहुँचे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और वीडियो मैंने यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, बट हमने खाई कोल्ड कॉफ़ी एंड आलू का पकौड़ा जो मैंने छट से बना लिया, और क्योंकि भूख ज़्यादा लगी थी तो वीडियो ज़्यादा नहीं शूट कर पाई, तो जस्ट इस तरह से खाया। फिर मैंने बालों में चंपी करवाया मेरे हस्बैंड से, जो कि वो बहुत अच्छे से करके देते हैं, और इसी तरह से पूरा दिन मेरा ख़त्म हुआ। और तो यहाँ पे ख़त्म करूँगी आज का ये ब्लॉग, और क्या क्या शॉपिंग मैंने की है उसके लिए आपको करनी होगी थोड़ा सा इंतज़ार। मैं एक वीडियो में पूरी आपको दिखाऊंगी क्या क्या साड़ी की शॉपिंग की है मैंने, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।